नमस्कार, लेट्स कुक समथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं करी पत्ता का चटनी बना रहे हैं, तो ये चटनी जो है काफी अच्छा बन के तैयार होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप काफी चीज मिस कर जाएंगे। चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ये होगा हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं करी पत्ता का चटनी बना रहे हैं। तो ये हमने करी पत्ता लिए हैं और इसे हमने धुल चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। इसको हमने धुल के रख दिया, इसका पानी जो है इसे अच्छी तरह से हमने इसे धुल के अच्छी तरह झाड़ दे तो सारा पानी निकल जाता। अच्छी तरह से हमने पत्ता को चेक करने के बाद इसे हमने धुल दिए थे। तो ये जो है करी पत्ता की चटनी जो काफी अच्छा लगता है, इसे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप काफी चीज मिस कर जाएंगे। तो ये हमने सारे पत्ते को साफ कर लिए हैं, कढ़ाई गर्म होने के लिए रखे हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं, ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा सा तेल डाले हैं। अब इसमें हम डालेंगे, ये हमने एक बड़ा चम्मच हमने धनिया लिए हैं और ये हमने थोड़ा सा नारियल लिए हैं। तो ये जो है इसमें इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। ये हमने दो चम्मच इसमें बादाम डाल रहे हैं, इसी के साथ हम इसमें डाल दे रहे हैं, ये हमने मिर्ची डाल रहे हैं। तो मिर्च आप अपने हिसाब से ले लें। और इन सारे चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह से हम बनाएंगे तो काफी अच्छा ये चटनी बन के तैयार होता है। इसे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके आप बताना मत भूलिएगा कि आपको रेसिपी जो है कैसा लगा है। अब इसी के साथ हम डाल दे रहे हैं इसमें 10 हमने काली मिर्ची डाल दिए हैं। अब इन सारे चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भूनना है। तो वीडियो को जो आप स्किप नहीं कीजिएगा, अगर आप स्किप करेंगे तो काफ़ी चीज़ मिस कर जाएंगे। ये भूनने वक्त गैस को जो है हमें मीडियम ही रखना है, अगर हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो जल जाएगा और अच्छी तरह से नहीं भुनाएगा, इसीलिए से हमें मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। ये चटनी अगर आप बनाएंगे तो आपके घर में हर किसी को पसंद आएगा, पराठा पूरी किसी भी चीज़ के साथ इसे आप खाइए, काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसे हमने भून लिए, अब इसमें हम डाल दे रहे हैं तिल। तो ये हमने दो चम्मच तिल डाले, अगर हम तिल पहले डाल देते, ये सफ़ेद तिल है, पहले डाल देते तो ये जो है जल जाता, इसीलिए हमने इसे पहले नहीं डाले हैं। सारे चीज़ अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें तिल डाले हैं। तिल डालने के बाद इसको हमें अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक तिल जो है मेरा हल्का सा भुना ना जाए, सुनहरा कलर का ना हो जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। तो तिल जो है मेरा अच्छी तरह से भुना गया है, कलर चेंज हो गया है, चटकना भी शुरू हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है। इसे हमने निकाल लिया और इसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे, ये जो हमने करी पत्ता को रखे थे साफ करके, तो इसे हमें भूनेंगे। गैस को मीडियम ही रखना है, इसको हमें हल्का सा भून लेना है। ये हमने पत्ता को भून लिया, देख सकते हैं हल्का सा भुना गया। इसे हमें ज्यादा जलाना नहीं है, बस कलर इसका ज्यादा जो अगर हम जलाएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, तो इसी तरह से हम रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसी में हमें थोड़ा देर तक इस तरह से चलाते रहेंगे। कढ़ाई गर्म है तो इससे है ये अच्छी तरह से ये और जो है भुना जाएगा। तो इसको अगर हम गैस ऑन में ही भूनते तो ये जल जाता, तो इसीलिए हमने गैस बंद कर दिए हैं। बस इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे जो अच्छी तरह से ये भुना जाएगा। क्या दे, ये देखिए पत्ता जो है कुरकुरा हो गया, आवाज़ कर रहा है। अब इसको हमने क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो हमने पत्ता को जार में निकाले हैं और जो हम क्या करना है, ये जो सारे चीज़ जो हमने भून के रखे थे इन सारे चीज़ों को भी हमें इसी में जार में डाल देना है। करी पत्ता जो है काफ़ी गुणकारी है, काफ़ी फायदेमंद है, ये तो हर किसी को पता है, करी पत्ता जो है काफ़ी फायदेमंद है। तो इसे हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने आमचूर पाउडर डालना है, छोटा चम्मच से हम डालें एक चम्मच। अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक, तो ये हमने इसमें एक चम्मच नमक डाले हैं, एक बड़ा चम्मच नमक डाले हैं। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसमें नमक डाल दें। अब इसे क्या करना है, पीस लेना है।
तो हमने इसे पीस लिए है, देख सकते हैं। ज्यादा इसमें हमें पानी नहीं डालना, बिना पानी का पीसना है। देखिए इस तरह से हमें पीसना है, ज्यादा हमें बारीक भी नहीं पीसना है, ये देख सकते हैं, ना ही ज्यादा दरदरा होना चाहिए। इस तरह से हमें पीस के तैयार करना, बिना पानी का हमें इसे पीसे हैं। इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं डालें, सारे चीज भूनने के बाद ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद हमें इसे पीसना है। अब इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये मेरा करी पत्ता का चटनी बनके तैयार है, काफी अच्छा टेस्टी बनके तैयार हुआ। इस चटनी को जब पराठा पूरी कचौरी किसी भी चीज के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, आपको काफी अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो हमेशा बनाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।